तुम कितनी भी कोशिश कर लो ब्लेड, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो। मैंने बहुत सारी पुलिस तुम्हारे लिए सिक्योरिटी बना कर रखी है, दो इस दरवाजे पे और दो उस दरवाजे पे। देखता हूँ तुझे छुड़ाने कैसे आता है फ्रैंकलिन। अगर फ्रैंकलिन ने तुझे यहाँ से भगाने की कोशिश की ना, तो उसे भी जेल के पीछे सड़ना पड़ेगा, समझा। और तू इतने घमंड में किस बात का है बे? हाँ, तू इतना अच्छा जिम उम कर रहा है, मतलब तुझे लग रहा है कि फ्रैंकलिन तुझे बचाने के लिए आएगा? अरे मुझे लग नहीं रहा है, मेरा फ्रैंकलिन मुझे बचाने जरूर आएगा, वो मेरा भाई है, समझा ना। हाँ मुझे पता है तेरा भाई है, तो इसका मतलब यहाँ का राष्ट्रपति नहीं है, तेरा भाई फ्रैंकलिन है, एक नॉर्मल इंसान जो अगर आया यहाँ पे तो उसे भी जेल में बंद कर दूंगा। तू मुझे नहीं जानता, मेरा नाम है टकला पुलिस, समझा ना। तुम चाहे जो कर लो, कुछ भी कर लो, पर तुम मुझे ताक नहीं सकते। मैं इतना हैंडसम हूँ, मैं फ्रैंकलिन से भी ज्यादा माइंडेड हूँ, समझा ना। तू क्या मुझे हल्के में लेके बैठा है? इतने बैंक मैंने ऐसे ही नहीं चोरी किया, मैंने चोरी जो किया मैंने गरीबों को उसको बांटा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। हमेशा अमीर लोग पैसे खा जाते हैं और गरीब बेचारे भूखे मरते हैं, तो बस तुम्हारा थोड़ा पैसा चुराया और गरीबों को दे दिया, उन लोग भी खा पी लेते हैं, तो इसमें क्या बुराई है भाई। मैं कोई गलत नहीं हूँ, इसलिए मेरे दोस्त मुझे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बोलेंगे ब्लेड ओपी, समझे ना। अरे देखता हूँ कितने लोग तेरे लिए कमेंट्स करते हैं, वैसे तुझे जितने कमेंट मिले तुझे कोई नहीं छुड़ा सकता, ये तेरी सोच है और तेरी सोच को कोई बदल नहीं सकता, और जो मेरी सोच है उसे तू कभी नहीं बदल सकता। शाके मैं यहाँ से रिहा हो जाऊंगा, समझे ना, आज नहीं तो कल मेरा भाई जरूर मुझे लेने आएगा। हाँ देखता हूँ कैसे तू जाता है। सुनो रे, इसके ऊपर कड़ी नजर रखना, ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ और तुम लोग भी इसके ऊपर कड़ी नजर रखना, फ्रैंकलिन कभी भी आ सकता है इसे छुड़ाने के लिए, समझे ना, तो ये यहाँ से जा ना पाए। ठीक है मैं चलता हूँ। बेवकूफ टकला सोचता है मैं यहाँ से आजाद नहीं हो सकता, मैं हूँ ब्लेड, समझे ना, ब्लेड कुछ भी कर सकता है। अगर मैं यहाँ से नहीं निकल सकता तो फ्रैंकलिन चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है, वो कुछ ना कुछ मेरे लिए प्लान कर ही रहा होगा मुझे यहाँ से निकालने का, समझा ना। ऐसे मरने को मुझे छोड़ नहीं देगा क्योंकि वो मेरा सगा भाई है। आखिर पर वो टाइम क्यों इतना लगा रहा, मुझे बचाने क्यों नहीं आ रहा भाई। तो ठीक है फाइनली गाइस, अब मुझे चलना पड़ेगा अपने भाई ब्लेड को बचाने के लिए। मेरे सारे दोस्त मेरा साथ देने वाले हैं, उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा फ्रैंकलिन तुम्हारे भाई को बचाने में, तो चलो उन्हें आइडिया समझाता हूँ और चलता हूँ लेके। फिर दोस्तों आज रात ही हम निकलेंगे ब्लेड को बचाने के लिए। अभी ये क्या, यहाँ पे तो खाली सिंचैन और चॉप है, अबे तेरे दोस्त कहाँ चले गए सिंचैन, कहीं ये सब डर के मारे भाग तो नहीं गए? अबे हुआ क्या, अभी बताएगा सिंचैन? ओए बिडू ये क्या बताएगा, अपुन तेरे को बता रेला है। अपुन के जो दोस्त लोग थे ना सिंचैन के दोस्त लोग, उन्हें जब पता चला आज रात हम लोग ब्लेड को छुड़वाने वाले हैं जेल से, तो वो लोग खिसक लिए। उन लोग को बिडू पता चल गया था कि जेल से छुड़ाना बहुत मुश्किल काम है, अगर पकड़े गए तो सब जेल के अंदर हो जाएंगे। ओए बिडू सब धोखेबाज निकले, अपुन तीनों ही लोग काफी हैं। चल ठीक है अपुन ही लोग चलते हैं आज रात ब्लेड को छुड़वाने, वरना अपुन का भाई ब्लेड वहाँ तो सड़ रेला है। अबे तेरे कितने घटिया दोस्त है सिंचैन, हर वक्त आने पे ऐसे भाग गए। पहले तो बहुत ज्यादा हम दर्दी जता रहे थे कि मैं तेरे भाई को निकालूंगा बचाऊंगा, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ है मरते दम तक, और जब काम की टाइम आई खिसक लिए। अरे फ्रैंकलिन भैया हर लोग एक जैसे नहीं होते हैं, हम जैसे हैं दूसरों को वैसे नहीं समझना चाहिए। हमें पता है अगर ऐसे किसी और के साथ होता तो तुम और मैं चौप सब मिल के उसकी हेल्प करते, पर सब लोग ऐसे नहीं होते ना। वो लोग निकल लिए जब उन्हें पता चला कि हमें ब्लेड को चोरी छुपे जेल से छुड़वाना है। वो लोग सोचे अगर हम लोग पकड़े गए तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ेंगे, इसीलिए निकल लिए फ्रैंकलिन भैया। अच्छा ठीक है छोड़ो, हम तीन ही काफी है ब्लेड को छुड़वाने के लिए, वैसे जितने लोग रहते हैं उतने ही लफड़ा होता है। तो ठीक है मैं तुम लोगों को प्लान समझाता हूँ कि आज रात हम ब्लेड को कैसे छुड़वाने वाले हैं, ठीक है ना। कहीं ये बगल वाला पिंचैन तो नहीं सुन रहा है, ये बहुत बड़ा चुगलखोर और हम लोग से जलन खोर है। ये जलन इतना जलता है कि हम लोग को किस तरीके से फंसा दे, किस तरीके से हम लोग की जान ले ले, पर ये कभी कामयाब हो ही नहीं पाता। पहले तू जाके देख क्या सिंचैन, वो झाक तो नहीं रहा अपने घर में। अरे बाप रे फ्रैंकलिन को कैसे पता कि मैं इसकी बात सुनने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और आगे छुप जाता हूँ। आज तो मैं सारी बात सुनकर ही रहूंगा। ओ फ्रैंकलिन तू अपने भाई को छुड़वाने जाएगा, रुक आज तक मैं कैसे तुझे फंसाता हूँ। सिंचैन मेरे को यहाँ के देखे, इससे पहले मैं झाड़ियों में छुप जाता हूँ, फिर जब सिंचैन चला जाएगा तो फिर मैं जाके छुप के सुनूंगा। अरे ठीक है फ्रैंकलिन भैया मैं देख कर आता हूँ। यार दोस्तों ये पिंचैन हम लोग को बहुत परेशान करता है, हमारे घर के बगल में रहता है और हम लोग की सारी बात कान लगा के सुनता है, हम लोग को फंसाने की कोशिश में रहता है। ठीक है और आगे चल के देखता हूँ।
अरे यहाँ तो कहीं नहीं है। ठीक है फ्रैंकलिन भैया, आप अपना आइडिया बताइए, यहाँ पे पिनचैन नहीं है, लगता है वो अभी सो रहा है, सुबह होगा ना इसीलिए। चले ठीक है, हम शेफ है, बताइए हमें सारी बातें। ओए ब्रो फ्रैंकलिन जल्दी से आइडियाज बना, शाम हो रही है, अब उन लोग को निकलना है। हाँ तो ठीक है दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनो, चौप सिंचैन दोनों हम यहाँ से जाएंगे अंडरग्राउंड जेल में, मतलब जहाँ ब्लेड को रखा गया है, और एक साइड दरवाजा से मैं जाऊंगा, अबे कोई देख तो नहीं रहा है, हाँ ठीक है, एक साइड दरवाजे तरफ मैं जाऊंगा, दूसरे साइड चौप और सिंचैन जाना, तुम दूसरे साइड दरवाजे की पुलिस को बहकाना। अबे मुझे ऐसा लग रहा कोई देख रहा भाई, हाँ मुझे तो कोई नहीं दिख रहा, ठीक है, और दूसरे तरफ के दरवाजे की पुलिस को मैं बहकाऊंगा, ठीक है ना, इसी तरह हम ब्लेड को निकल जाएंगे लेके। तो ठीक है यार दोस्तों, फाइनली आज रात हम ब्लेड को छुड़वाने वाले हैं, तो इसके लिए हमें फटाफट से रेडी हो जाना चाहिए सिंचैन, ठीक है ना। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिएगा, ठीक है ना। और ये वीडियो मैं अपने बहुत बड़े फैन अंशुमन बालो के कहने पे बना रहा हूँ, वरना मैं शायद नहीं बनाता, तो ठीक है भाई मैं आपके कहने पे ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं, हमें ब्लेड को छुड़वाना है, ठीक है ना सिंचैन, चलो भाई जल्दी रेडी होते हैं। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी खबर चल के पुलिस स्टेशन में देनी पड़ेगी भाई, आज तो मैं फ्रैंकलिन को पकड़वा कर ही रहूंगा, जाऊंगा आज पुलिस स्टेशन में, सर से बोलूंगा कि सर आपके जेल में चोरी होने वाली है, मतलब खजाने की नहीं, ब्लेड को लोग रात को छुड़वा देंगे। अरे गजब, चलता हूँ पुलिस स्टेशन, फटाफट सर से सारी बात बताता हूँ, और फ्रैंकलिन सिंचैन चौप इकट्ठा सबके सब अंदर, यस अपन तो जीत जाएगा, अपन तो हीरो बन गए यार, सिंचैन हीरो बन गए यार, चल बे सिंचैन बेटा चलते है जल्दी से फ्रैंकलिन को फंसाने का इंतजाम करते है। अबे ओ छचुंद्रो जाके खाना खा लो बे, कितनी देर तक ऐसे खड़े होके वो आपको उफो की तरह मुझे ताकते रहोगे, तुम चाहते भी नहीं हो ब्लेड भाई के बारे में, और तुम लोग मुझे ताक रहे हो, कितना भी ताको, मुझे तो फ्रैंकलिन निकाल के ले जाएगा भाई। अबे ओ तू अपने आप को ज्यादा हीरो मत बन, समझना जितना हीरो समझ रहा उतना है नहीं, क्या तू धूम थ्री का आमिर खान है क्या जो निकल के ऐसे भाग जाएगा, पागल नहीं तो निकल के दिखा, अगर जिस दिन तू यहाँ से पुलिस स्टेशन से निकल गया मैं पुलिस की नौकरी छोड़ दूंगा। अरे बाउस का इनके मुंह लग रहे हो, ये सब चोर चमार तो इनके मुंह ना लगो, चलो हटाओ। तो वो तुम लोग को वक्त ही बताएगा कि कौन चोर चमार है कौन हीरो है, और तूने क्या कहा गंजे, तूने कहा कि अगर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तो तू नौकरी छोड़ देगा, तो ठीक है तू अपने इंतजाम कर नौकरी छोड़ने का, ठीक है ना। अरे बड़ा कॉन्फिडेंस बोल रहा है, का फ्रैंकलिन सच में इसको छुड़वाने वाला है का भाई। अरे इसके चक्कर में न पड़ो, ये बेवकूफ है पागल है। वो तो तुम्हें वक्त ही बताएगा कौन बेवकूफ है और कौन पागल भाई। अरे यार दोस्तों फाइनली पुलिस स्टेशन पहुंच गया हूँ, सर सर ओ सर कहाँ है भाई सर, ओ सर कॉफी पी रहे हैं क्या, ठीक है चल के सर से बताता हूँ, अबे यार कहाँ फंसे फंसे जा रहा हूँ, ठीक है सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है, सर मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब तू कौन है बे, आ गया यहाँ पे दिमाग खराब करने, शाम के टाइम कॉफी भी पीने नहीं दे रहा, मूड खराब कर रहा है। अरे सर मेरी बात सुनेंगे ना तो आपकी कॉफी आपके हाथ से छूट जाएगी, वो ना जो फ्रैंकलिन है ना ब्लेड का भाई, फ्रैंकलिन चौप सिंचैन आज रात ना ब्लेड को छुड़वाने वाले हैं, मैं बस आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया था। क्या कहा तुमने फ्रैंकलिन, अरे बच्चे अगर तुम्हारी खबर झूठी निकली ना तो कल जेल के सलाखों के पीछे तुम होगे, समझे ना। अरे सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची सच्ची बोल रहा हूँ सर, प्लीज प्लीज आज ना आप वहीं ले जाइए और पुलिस फोर्स लेकर जाइए, वरना फ्रैंकलिन छुड़वा लेगा ब्लेड को, फ्रैंकलिन बहुत ही दिमागदार है। अच्छा तो बेटा फ्रैंकलिन आ जाओ, तुम्हें भी जेल के पीछे ना सड़वाया तो कहना। अच्छा ठीक है सर मैं चलता हूँ, ठीक है ना, पर फ्रैंकलिन को किसी हाल में ब्लेड को छुड़वाने मत दीजिएगा, निकल ले भाई यहाँ, कोई मुझे देख लिया तो फ्रैंकलिन जान जाएगा कि हाँ पिनचैन ने जाके बता दिया पुलिस स्टेशन में, निकल 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 पिनचैन जल्दी से यहाँ से। ठीक है मैंने प्लान कर लिया है, मैं अब फ्रैंकलिन को ऐसे जाल में फंसाऊंगा कि फ्रैंकलिन घरों यहाँ से नहीं आएगा। तो सुनो तुम लोग, अरे दो और कहाँ गए सिपाही, हाँ अरे सर खाना लेने गए हैं, भूख लगी थी ना। तुम जैसे लोग की वजह से तो ऐसे चोर भाग जाते हैं, सुनो यहाँ का रास्ता पूरा क्लियर कर दो, सुना है कि फ्रैंकलिन आ रहा है इस ब्लेड को छुड़वाने, तो अब उसके लिए हम एक प्लान करते हैं, यहाँ का रास्ता क्लियर करो, फ्रैंकलिन जैसे ही यहाँ घुसेगा इसे छुड़वाने के लिए वैसे उसके ऊपर हमला बोल के फ्रैंकलिन को पकड़ के जेल में बंद कर देंगे, ठीक है ना। क्या फ्रैंकलिन यहाँ मुझे छुड़वाने आ रहा है, इस बात की खबर इसे किसने दिखाई, इसका मतलब मेरा फ्रैंकलिन कोई खतरे में है, फ्रैंकलिन को फंसने में नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए मुझे कोई ना कोई आइडिया रेडी करने रहेगा, क्योंकि फ्रैंकलिन तो पक्का मुझे बचाने ही आने वाला है, पर उसके साथ गद्दार कौन है भाई जो उसकी इस तरीके से पोल पट्टी खोल दिया। अबे यार मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। जी सर
हम यहाँ से हट जाते हैं। चलो आ जाओ मेरे पीछे। आ तू भी आ जा रे। ओ फ्रैंकलिन, आज तुम्हारा वेलकम हम बहुत बेहतरीन करेंगे। आ जाओ यहाँ हम छुप जाते हैं। आ जाओ यहीं छुपते हैं। चलो आ जाओ भाई लोग। सर क्या वो फ्रैंकलिन आएगा? हाँ वो जरूर आएगा। वो ब्लेड को अपनी जान से ज्यादा चाहता है क्योंकि ये उसका सगा भाई है। तुम सब घबराओ नहीं, हमने पुलिस फोर्स और तैनात कर ली है, बाहर खड़ी हुई है। आज ये फ्रैंकलिन तो बचकर जाएगा ही नहीं, ये जो छुड़वाने के लिए आ रहा है। आओ बेटा तुम्हारा अच्छे से वेलकम करते हैं। यार गाइस ये मेरे भाई के खिलाफ प्लान किया गया है उसे फंसाने के लिए। आखिर उसके साथ कौन गद्दार है जो उसकी पोल पट्टी खोल दिया पुलिस से आके? मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अब तक तो फ्रैंकलिन शायद घर से निकल भी चुका होगा भाई। तो ठीक है गाइस हम लोग रेडी हैं, चलते हैं ब्लेड को छुड़वाने। मैं क्या सोच रहा था, मैंने प्लान भी शामिल कर लिया यार शिनचैन। मैं सोच रहा था कि मैं अकेले ही जाऊं, क्या तुम और चॉप घर पे ही रहो? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, कहीं अगर आज मैं गया और पकड़ गया तो हम लोग सब फंस जाएंगे एक साथ, फिर हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो मैं क्या सोच रहा था तुम और चॉप घर पे रहते, अगर मैं सुबह तक आ जाता हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम दोनों मिलकर मुझे बचाने की कोशिश करना। अगर हम साथ में गए और तीनों पकड़ गए तो फिर हमें बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। वही वीडियो, एक तरफ तेरी बात तो सच है पर अपुन तेरे को अकेले मरने कैसे जाने दे? अपुन तेरे साथ चलेगा फ्रैंकलिन, अपुन का भी भाई ब्लेड है। हाँ फ्रैंकलिन भैया आपने तो सही कहा कि अगर हम सब साथ में जाएंगे और सब साथ पकड़ जाएंगे कोई हमें छुड़ाने वाला नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे तो इतनी सारी पुलिस फोर्स है, इतना खतरनाक जेल में ब्लेड बंद है, कहीं हम लोग पकड़ गए तो। आप एक तरफ से सही कह रहे हैं कि हम लोगों को यहाँ रुकना चाहिए, पर आपको अकेले कैसे जा दे फ्रैंकलिन भैया? आप अकेले जा पाएंगे? मेरी फिक्र मत करो, तुम दोनों घर का ख्याल रखना, अच्छे से रहना, हमें चला और मैं अपने मिशन में कामयाब जरूर होऊंगा। तो ठीक है ना, तुम लोग अगर मैं कल तक नहीं आया सुबह तक तो तुम लोग मुझे बचाने की कोशिश करना, ठीक है ना? अब मैं चलता हूँ, ऑल द बेस्ट फ्रैंकलिन भैया। थैंक यू यार दोस्तों, चला मैं अपने भाई ब्लेड को बचाने, ये रही मेरी ब्लड। और अब चलता हूँ यार दोस्तों, मुझे जेल से थोड़ी देर पहले ही अपनी ब्लड को रोक देनी पड़ेगी क्योंकि रात काफी हो चुकी है, मुझे कोई भी आके पकड़ सकता है पुलिस लोग। तो ठीक है चलते हैं फटाफट से, थोड़ी सी डर तो मुझे भी लग रही है दोस्तों, पर क्या करूं, जाना जरूरी है ना, अगर नहीं गया तो मेरा ब्लेड को कल फांसी दे दी जाएगी। पर मेरे ब्लेड ने कभी गलत नहीं किया, उसने अमीरों के पैसा चुराया और गरीबों की हेल्प की, जो भूखे प्यासे रहते थे उन्हें खिलाया पिलाया, तो उससे कोई गलती नहीं यार दोस्तों। आप लोग प्लीज उसके लिए कमेंट्स कर दे ताकि वो बच सके मेरा भाई। अब यार मुझे थोड़ा संभाल के अपनी बाइक चलानी है। तो फाइनली दोस्त मैं पहुंच चुका हूं, अब बस मुझे अंदर एंट्री मारनी है। तो ठीक है यार दोस्तों, यहाँ तो बहुत सारे जेल्स हैं, कौन सी जेल में मेरे भाई बंद होगा? ठीक है आराम आराम चल फ्रैंकलिन, यहाँ पे कोई जाल तो नहीं बिछाया गया मेरे लिए? भाई डर तो लगती है हर एक इंसान को। अब ये कौन सा गेट है, ये खुलता कैसे है भाई? ओ भाई ये इतना बड़ा जेल है, यहाँ कहाँ पे होगा मेरा भाई ब्लेड? ये दरवाजा तो लॉक है, ये दरवाजा भी लॉक है यार दोस्तों। ठीक है सब तो लॉक है, लगता है कोई आ रहा है, मुझे जल्दी से लिफ्ट से ऊपर जाना पड़ेगा। अब यार सब तो लॉक है, कहाँ पे मेरे भाई को ये लोग बंद करके रखे हैं? ठीक है जल्दी जल्दी चलते हैं फटाफट से आगे। तो चलता हूँ अंदर फटाक से, यहीं पे जेल है, कौन से जेल में मेरा भाई लॉक है? यार भाई इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ पे? ओ ब्लेड तू चल 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 मेरे भाई, निकल जल्दी यहाँ से। अरे मेरे भाई तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें फंसाया गया है। आखिरकार तुम फंस गए फ्रैंकलिन मेरे जाल में, तुम भागने की कोशिश भी मत करना फ्रैंकलिन, समझे ना, वरना तुम्हें मार दिया जाएगा एकदम जान से। तुम्हारे लिए मारने के लिए ऑर्डर मिला है, अगर भागने की कोशिश की तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम मुझे मेरे हवाले कर दो। भाई सिम फ्रैंकलिन तू भाग जा, मैं इसे देख लूंगा, भाग जा फ्रैंकलिन तू। ब्लेड अब मैं नहीं भाग सकता मेरे भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा प्लान के साथ मुझे फंसाया गया है। मैं यहाँ पे आने वाला हूँ, इन लोग को पहले ही खबर हो चुकी थी इसलिए पूरा रेडी थे ये लोग। गाइस मैं फंस चुका हूँ बहुत बुरी तरीके से, अच्छा हुआ मैं शिनचैन और चॉप को साथ लेकर नहीं आया, नहीं तो वो लोग भी फंस जाते मेरे साथ साथ। मेरे भाई तुम नहीं आते ना यहाँ पे मुझे मरने देते, आज मेरी वजह से तुम भी फंस गए यहाँ पे। कोई बात नहीं ब्लेड, हम निकल जाएंगे, तुम घबराओ मत। शिनचैन और चॉप को मैंने घर पे छोड़ा है, मैंने उनसे कहा था कि अगर हम नहीं आ पाए तो तू हमें बचाने जरूर आना। अरे कहीं वो लोग भी ना आके फंस जाए फ्रैंकलिन। अरे नहीं ब्लेड वो लोग नहीं फंसेंगे। क्या फुसर फुसर कर रहे तुम दोनों भाई, अब तुम दोनों जिंदगी भर यही जेल में सड़ोगे, समझ आई ना तुम लोगों को? और तुम लोगों को एक बात बता दूं कि तुम यहाँ आने वाले हो फ्रैंकलिन, मुझको इसकी खबर किसने दी? तुम्हारे पड़ोसी का बच्चा पिनचैन ने, वो हर वक्त तुम्हारे घर में कान लगा के सुनता है तुम्हारे यहाँ चल के आ रहा है, और जैसे ही उसे पता चला कि तुम यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हो उसने आके मुझे सारी खबर दे दी और हमने तुम्हारे खिलाफ एक चाल चले और तुम हमारे कब्जे में हो फ्रैंकलिन। अब देखता हूँ तुझे कौन बचाता है यहाँ से, इसे लॉक कर दो यहाँ से और चलते हैं, और तुम दोनों यहाँ से हटना नहीं, मैं और पुलिस
पुलिस फोर्स भेजता हूँ क्योंकि ये दोनों भाई बहुत खतरनाक है, कुछ ना कुछ करके यहाँ से निकल जाएंगे। ख्याल रखना मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर बाद। यार मैं तो फंस गया, तो कोई बात नहीं, सिंचैन चौप तो आएंगे ही मुझे बचाने। तो दोस्तों फटाफट से कमेंट्स में पार्ट 3 लिख दीजिएगा ताकि चौप और सिंचैन मुझे और मेरे भाई ब्लेड को बचा सके, वरना ये जेल बहुत ही जमीन के अंदर है, यहाँ से हमें भागना पॉसिबल नहीं। और पुलिस बहुत होशियार है, वो जानता है कि हम दोनों भाई काफी टैलेंटेड है और यहाँ से निकल सकते हैं, तो उसने कम से कम 1000 पुलिस फोर्स खड़ी कर रखी है बाहर कि हम अगर भागने की कोशिश करें तो हमें पकड़ लिया जाए, और अगर और ज्यादा कोशिश करेंगे भागने की तो हमें शूट कर दिया जाएगा। तो अब मुझे यहाँ से निकलने का कोई चारा नहीं बचा। ब्लेड क्या तेरे पास कोई आइडिया है? नहीं भाई मेरे पास कोई आइडिया नहीं, मैं तो सोचा तुम मुझे आके बचा लोगे। यार सॉरी आई एम सॉरी मेरे भाई, मुझे इस चीज का खबर नहीं था। बेटा पिंचैन मुझे एक बार बाहर आने दे, देख तेरी क्या वाट लगाता हूँ। अबे पिंचैन तेरी वजह से आज मैं जेल के सलाखों के पीछे हूँ, तो मिल तुझे बताता हूँ मैं। तो समझ गए दोस्तों, फटाफट से कमेंट्स में पार्ट 3 लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं। पता नहीं चौप और सिंचैन मुझे बचाने आएंगे भी कि नहीं आएंगे भाई। भले यार चौप सुबह हो गई पर फ्रैंकलिन भैया ब्लेड अभी कोई आया ही नहीं, अब क्या करें? क्या हमें उन्हें बचाने जाना चाहिए? चौप ओए बीड़ू, अपन जान दे देगा और फ्रैंकलिन और ब्लेड को जरूर बचाएगा अपन। ओए बीड़ू लोग, अगर आप लोग चाहते हो फ्रैंकलिन और ब्लेड को हम छुड़ाने जाए तो कमेंट्स में फटाफट 3 पार्ट लिख देना, ठीक है ना? थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।